हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग कुछ जो है रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, नंबर थ्योरी का। तो आइए हम लोग कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो डिवीजन अल्गोरिदम बताया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, वो आप जरूर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पर कुछ रिजल्ट हैं हमारे पास में। एक रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास में दो इंटीजर है, ठीक है, फॉर टू इंटीजर्स, अगर आपके पास में दो इंटीजर है, क्या एक ए और दूसरा है आपके पास में बी, जो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे आपको एग्जिस्ट करेगा इंटीजर्स, इंटीजर्स क्यू वन एंड आर वन, ठीक है, सच दैट, आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए को लिख सकते हैं बी क्यू, बी क्यू वन प्लस ई आर वन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जहां आपका जो आर वन है वो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा और लेस देन बी बाई टू होगा, ठीक है, और जो आपका ई होगा वो प्लस वन होगा या तो माइनस वन होगा, ठीक है। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये यूजफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ है, इसका प्रूफ भी आप आसानी से कर सकते हैं, बट प्रूफ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है ना कि आप देखेंगे तो ये किस तरीके से डिफरेंट है, कहाँ से, आपका डिवीजन अल्गोरिदम से, ठीक है, हाउ डिफरेंट फ्रॉम डिवीजन अल्गोरिदम, ठीक है। तो आपको मैंने जो डिवीजन अल्गोरिदम बताया था, एल्गोरिदम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या था कि हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे, ठीक है, आपको याद है, और जहां आर जो है वो आपका पॉजिटिव था या जीरो था और बी से स्मॉलर था। अब आप यहां पे देखिए, आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने बी से लिया था स्मॉलर, ठीक है, यहां से हम लोग क्या ले रहे हैं, यहां से हम लोग ले रहे हैं, आप देखिएगा तो बी बाई टू से स्मॉलर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो है आपको और नज़दीक ले जाता है, ठीक है, जो R1 का वैल्यू है वो आप मिनिमल यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी जो R1 है वो 0 और B बाई टू के बीच में लाई करता है, यानी R1 आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है या तो 0 है और B बाई टू के, 0 और B बाई टू के बीच में लाई करता है। लेकिन जो E का वैल्यू है, ठीक है, वो E का वैल्यू या तो प्लस वन है या तो माइनस वन है। देखिए, जब प्लस वन लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर डिवीजन अल्गोरिदम से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है। लेकिन जैसे ही हम लोग माइनस वन लेंगे तब वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आर वन जो है वो बी बाई टू से स्मॉलर होगा, बी से स्मॉलर नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो आप ये देखिएगा कि आप इसको यूज़ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन इस रिलेशन से आप क्या है, आप यहाँ से रिमाइंडर नहीं दे सकते, ठीक है, रिमाइंडर तभी देंगे, याद रखिए, जब आर वन आपका पॉजिटिव होगा और ई आपका वन होगा, ठीक है, तभी आप जो है आर ई आर वन को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, अदरवाइज ये रिमाइंडर नहीं होगा। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है दोनों में। डिवीजन अल्गोरिदम में ये डायरेक्ट आपका क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है, तो रिमाइंडर है और रिमाइंडर का प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या बी से छोटा होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको मिनिमल जो है रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप इसको भी प्रूफ करके देख सकते हैं। तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसी रिजल्ट से हमको बहुत सारा रिजल्ट और भी मिलता है, जैसे नंबर टू आपको हम बता रहे हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं क्या, एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है, एवरी इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी इंटीजर हमारा किस फॉर्म का होगा, ठीक है, तो कोई भी इंटीजर आप लेंगे तो वो देखिए, वो आपका थ्री क्यू इस फॉर्म का हो सकता है, ठीक है, थ्री क्यू प्लस वन प्लस माइनस वन इस फॉर्म का हो सकता है, ठीक है, अगर हम लोग फोर क्यू में लिखें तो फोर क्यू का होगा या फोर क्यू प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू, यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अगर आप फाइव में लिखना चाहते हैं तो फाइव क्यू में फाइव क्यू प्लस माइनस वन, फाइव क्यू प्लस माइनस टू, ठीक है, फाइव क्यू प्लस माइनस टू ही तक जाएगा,
ठीक है, थ्री तक नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं ना वहां से हम लोग लिख रहे हैं इसको। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो आर वन है, जो रिमाइंडर है, वो क्या होना चाहिए, वो बी बाई टी से छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये हम लोग देखे ऊपर में, तो ये याद रखिए कि अगर आप थ्री लेते हैं, ठीक है, अगर आप बी को क्या ले रहे हैं, थ्री, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने बी को लिया हुआ है थ्री, तो अगर आप बी को थ्री लेते हैं तो थ्री से छोटा क्या होगा, तो थ्री से सॉरी थ्री बाई टू से छोटा क्या होगा, तो थ्री बाई टू से छोटा, ठीक है, इंटीजर स्मॉलर देन, यहां से आप लेंगे तो क्या लेंगे, इंटीजर, ठीक है, स्मॉलर देन थ्री बाई टू। थ्री बाई टू का मतलब क्या है, 1.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा, वन होगा, तो हम लोग सिर्फ यहीं तक आ पाएंगे, ठीक है, थ्री क्यू प्लस माइनस वन। क्योंकि आप इसको देखें तो हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ से इसको अगर हम थोड़ा सा और इसको जो है दूसरे वे में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू वन प्लस माइनस आर वन है, ठीक है, ओके, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ई मेरा या तो प्लस वन है या तो माइनस वन है, ठीक है। अभी जो आर वन है वो बी बाई टू से मेरा स्मॉलर है, तो अगर हम थ्री को लेकर के चलेंगे, बी मेरा अगर थ्री होगा तो मेरे कोई भी इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, थ्री क्यू और थ्री क्यू प्लस माइनस वन, ठीक है, ओके, 1.5 से छोटा। अब आप बी को फोर लेते हैं, आप बी को फोर लेंगे तो फोर बाई टू का मतलब क्या हो जाएगा आपका, टू, ठीक है, तो हमको क्या लेना होगा, हमको टू लेना होगा या उससे स्मॉलर लेना होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे फिर देखिए जो है हम लोग वन ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, ठीक है। फिर जब हमारा जो है, जब हम लोगों का जो बी है, ठीक है, अगर हम लोगों का बी फाइव हो जाता है तो फाइव बाई टू से स्मॉलर लेना होगा, यानी 2.5 से, तो हम लोग फिर से टू ही तक ले पाएंगे, ठीक है। जब सिक्स के केस में आएंगे तो थ्री तक जा सकते हैं, तो यहाँ से आपको ये भी रिजल्ट मालूम चल रहा है, ठीक है, ओके, क्लियर है कि कोई भी इंटीजर हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पूरा कुछ और भी हम लोग देखेंगे रिजल्ट। देखिए इसी से मान लीजिए, ठीक है, आपको जैसे एक जो है रिजल्ट आता है हमारा कि कोई भी ऑड इंटीजर, ठीक है, एवरी एवरी ऑड इंटीजर इंटीजर इज ऑफ दी फॉर्म, ये कैसे कैसे फॉर्म का हो सकता है, तो देखिए ये 2q प्लस 1 फॉर्म का हो सकता है, ठीक है, या 2q माइनस 1 फॉर्म का हो सकता है, इसी तरीके से 4q प्लस माइनस 1 फॉर्म का हो सकता है, ठीक है, इसी तरीके से प्लस माइनस 4q प्लस माइनस 1 ये भी फॉर्म का हो सकता है, ठीक है ना। ये कहाँ से आ रहा था, ये भी आप देखिए ऊपर से ही आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए ऑड इंटीजर निकालना है, तो आप इंटीजर में से जो इवेन है उसको हटा दीजिए, जैसे देखिए ऊपर वाले में देखेंगे तो थ्री क्यू हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ये तो यहाँ से तो कुछ हम लोगों को कन्फर्म नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग बी को थ्री लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे अगर हमारा क्यू इंटीजर है तो जो थ्री क्यू है वो डेफिनेटली क्या है, वो मेरा तीन से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखिएगा उसमें वो ऑड भी हो सकता है, इवेन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से वो थ्री क्यू प्लस प्लस वन है, क्यू पे आपका डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो आप ये देखिएगा कि 2q प्लस माइनस वन, आपको पता है कि 2q क्या है, 2q आपका हमेशा एक इवेन इंटीजर है, ठीक है। जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवेन में एक ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। इसी तरीके से 4q हमारा क्या है, इवेन है, ठीक है। जब हम बी को 4 लेते हैं तो आप ऊपर देख रहे हैं 4q ले सकते हैं, 4q प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, 4q प्लस माइनस 2 ले सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली इवेन है, चूंकि इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, ये 4 का मल्टीपल है तो ये भी इवेन है, तो बच गया कौन, बच गया हमारा ये ऑड, तो हम लोग सिर्फ इसको ले पाएंगे, ठीक है ठीक है। इसी में हम लोग प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो कोई भी जो ऑड इंटीजर है वो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सारा आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा, कुछ देखिए आपको इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपको डील करने के लिए दिया जा सकता है, मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है कि वन ऑफ एवरी थ्री कंजिगेटिव इंटीजर, एवरी थ्री कंजिगेटिव इंटीजर इंटीजर, ठीक है, इज डिविजिबल बाय थ्री, इज डिविजिबल
बाई थ्री, ठीक है। अगर देखा जाए तो बहुत ही कॉमन सेंस है डेफिनेटली, कि आपको बोल रहा है कि भाई अगर तीन लगातार आप इंटीजर लेते हैं तो उसमें एक जो है वो डिविजिबल होगा थ्री से। ये तो लोग भी जानते हैं भाई, कोई भी तीन ले लो, जैसे मान लीजिए आपने लिया फोर फाइव सिक्स, तो इसमें सिक्स डिविजिबल है। किसी ने ले लिया एलेवन ट्वेल्व थर्टीन, तो इसमें ट्वेल्व डिविजिबल है, ठीक है। लगातार अगर कोई भी लेगा तो कोई ना कोई एक तो डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर इस तरह का हमको प्रूफ करना पड़ जाए तो प्रूफ भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप ले लेंगे ऐसे, ठीक है। लेट क्या ए ए प्लस वन ए प्लस टू, ठीक है, आर थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। मान लेते हैं ये तीन मेरा क्या है, कंजिक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये देखिए, अगर हम लोग ये ले लेते हैं कि कोई भी इंटीजर हम जानते हैं कि थ्री क्यूब फॉर्म का होता है, ऊपर का रिजल्ट हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो लेट ए हो सकता है आपका थ्री क्यूब हो सकता है, या क्या हो सकता है, थ्री क्यूब प्लस वन फॉर्म का हो सकता है, या थ्री क्यू माइनस वन फॉर्म का हो सकता है, ये हम लोग ऊपर देखे थे, ठीक है ना, ओके। तो ए मेरा चूंकि ये किसी एक फॉर्म का भी हो सकता है, हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी इंटीजर को, हाँ। अच्छा इफ अगर मैं ए को ले लूँ थ्री क्यू, ठीक है, थ्री क्यू, ओके, देन तब क्या होगा, तो आप देखेंगे खुद यही जो नंबर है वो थ्री से डिविजिबल है, ठीक है। देन इट्सेल्फ, ठीक है, ए इज डिविजिबल बाई थ्री। तो यहाँ से मेरा टारगेट प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर मैं ए को ले लूँ थ्री क्यू प्लस वन, ठीक है, देन तो ए तो नहीं होगा, लेकिन ए प्लस वन को, ए प्लस बल्कि टू को आप देखें, देन ए प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस थ्री हो जाएगा। यहाँ से आप थ्री को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है इज डिविजिबल बाई थ्री। तो जब हम ए को थ्री क्यू प्लस वन लेते हैं तो लास्ट वाला नंबर क्या आ जा रहा है, आपका डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। ए को थ्री क्यू लेते हैं तो पहला ही वाला डिविजिबल हो जा रहा है ना। अच्छा, और अगर हम ए को ले लेते हैं थ्री क्यू माइनस वन, ठीक है, तब हम लोग क्या देखते हैं कि जो ए प्लस वन है बीच वाला वैल्यू वो क्या आ जाएगा, वो थ्री क्यू आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका क्या है, डिविजिबल है ना, विच इज डिविजिबल बाई थ्री। तो बहुत आसानी से आप कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। जैसे ये थ्री के केस में था, अगर आपको डिविजिबिलिटी फोर से पूछ देता तो हम लोग फोर वाला पैटर्न लेके चलते, कि फोर के पैटर्न में भी हम लोग इंटीजर को लिख सकते हैं ना, ऊपर का रिजल्ट में आपको दिखाए थे। फाइव से पूछता तो हम फाइव वाला लेके चलते, ठीक है। तो जैसा भी आपसे पूछेगा आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कभी कभार आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक मैं और आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंजिक्यूटिव नंबर्स, थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर आप तीन कंजिक्यूटिव इंटीजर लेते हैं तो वो क्या होता है, इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल थ्री। फैक्टोरियल थ्री से वो आप डिविजिबल पाएंगे उसको, ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। देखिए इसको भी दिखाना जो है काफ़ी आसान है प्रूफ, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी मैं इंटीजर ले लेता हूँ ए, ठीक है, लेट क्या है ए प्लस वन ए प्लस टू, ठीक है, ये तीन कंजिक्यूटिव इंटीजर हो जाएगा, का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तीनों कंजिक्यूटिव इंटीजर का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ओके। अच्छा अब देखिए, अगर हम इसको हम प्रूफ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है, वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। आप लोगों ने देखा हुआ है, इलेवेंथ क्लास में भी देखा होगा, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन जो मेथड है उससे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो अगर हम लोग ले लेते हैं ए का वैल्यू वन, आपको पता है मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे होता है, स्टार्ट वन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन को लेंगे देन तब क्या आ जाएगा, ए ए प्लस वन ए प्लस टू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा
वन इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है, यानी कि आ रहा है सिक्स आ रहा है, फैक्टोरियल थ्री ही आ रहा है, तो ये तो डिविजिबल ही है, ठीक है, ओके, इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल थ्री, तो ये फैक्टोरियल थ्री से खुद डिविजिबल हो गया है ना। अच्छा, तो देयर फोर क्या हो गया, देयर फोर जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट, ठीक है, जो रिजल्ट है वो ट्रू है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर ए इज इक्वल टू के लिए ट्रू मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या दिखाना पड़ेगा, तो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि फिर ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ध्यान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, हाँ, अगर रिजल्ट मेरा ए के लिए ट्रू है, देयर फोर क्या होगा, देयर फोर हो जाएगा हमारा, देयर फोर ए ए प्लस वन ए प्लस टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटू के प्लस वन और के प्लस टू, चूंकि रिजल्ट को हम लोगों ने ट्रू माना है, इसको हम ले लेते हैं थ्री क्यू वन, फैक्टोरियल थ्री क्यू वन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फैक्टोरियल थ्री से जो है ये डिविजिबल है, तो फैक्टोरियल थ्री का मल्टीपल होगा, है ना, फॉर सम क्यू वन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे कोई इंटीजर है तो ये फैक्टोरियल थ्री का हम प्रोडक्ट लिए हैं, इसका मतलब है ये फैक्टोरियल थ्री से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। नाउ फॉर ए इज इक्वल टू के प्लस वन, अब हमको के प्लस वन पे चेकआउट करना है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू क्या आता है, ए प्लस टू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, यही आ जाएगा अगर हम के प्लस, अगर हम ए को रिप्लेस कर दें के प्लस वन से, तो ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, थोड़ा इसको आप इस ढंग से समझिए, हाँ, ऊपर वाले को मैं इसको इक्वेशन वन ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये मेरा यूज में है, ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर रहे हैं इस तरीके से, पहले के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के के प्लस वन और के प्लस टू, इसको हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस थ्री इंटू के प्लस वन के प्लस टू को हम अलग कर दे रहे हैं, मतलब मैंने जो अलग अलग किया आप देख रहे हैं, एक बार मैंने के से इससे मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, और एक बार मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, इस टाइप से लिखा हम लोगों ने, क्योंकि ये मेरे पास में रिजल्ट है, ये जो है क्या है, ये जो है आप ऊपर में ही देख चुके हैं कि ये डिविजिबल है, इज डिविजिबल डिविजिबल बाई फैक्टोरियल थ्री, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए ये, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल थ्री इंटू क्यू वन, ये हम मान चुके हैं, प्लस ये क्या है, ये आपका थ्री है, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर है देखिए, ये आपको पता है कि ये दो कंजिगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना, ओके। अच्छा, दो कंजिगेटिव इंटीजर अगर है तो आपको पता है कि कोई भी दो कंजिगेटिव इंटीजर क्या होता है, का प्रोडक्ट इवन होता है, तो यानी क्या है, ये आपका जो है एक इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर, समझिएगा बात अच्छे से, ठीक है, काम आपका यहाँ से हो जाएगा। कोई भी दो आप कंजिगेटिव लीजिए, टू इंटू थ्री क्या आता है, सिक्स, इवन आता है, थ्री इंटू फोर क्या आता है, ट्वेल्व आता है, एलेवन इंटू ट्वेल्व, ठीक है, इसको भी अगर आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाता है, ठीक है ना, सॉरी 132 आता है ना, 132 कोई भी आप लेंगे तो इवेन ही आएगा, ठीक है, क्या आ रहा है, इवेन आ रहा है, तो कोई भी दो कंजर्वेटिव इंटीजर का मल्टीपल क्या होता है, इवेन होता है, क्लियर है। अच्छा, तो अब देखिए ये हमारा इवेन इंटीजर हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंजर्वेटिव इंटीजर, दो अगर आप कंजुगेटिव इंटीजर लेंगे लगातार इंटीजर, तो क्या आएगा, वो आपका इवेन होता है, इज इवेन इंटीजर, वो इवेन इंटीजर होता है, ठीक है, आप फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तो अब देखिए अब अगर हमारा ये इवेन इंटीजर है तो काम ही खत्म हो गया, कैसे, देखिए ये अब आपका आ गया है इक्वल टू फैक्टोरियल थ्री क्यू वन प्लस थ्री, इवेन इंटीजर है तो सम टू क्यू टू इस फॉर्म का होगा, कोई भी इवेन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि वो टू से मल्टीपल होता है ना, तो फैक्टोरियल थ्री क्यू वन है ये, प्लस यहाँ पे भी देखिएगा थ्री टू या सिक्स हो जा रहा है, क्यू टू हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से फैक्टोरियल थ्री को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जा रहा है, क्यू वन प्लस क्यू टू, क्यों, इसलिए कि फैक्टोरियल थ्री क्या होता है, सिक्स ही होता है ना, जानते हैं,
फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 6 है ना, इसको आप 3 इंटू 2 इंटू 1 खोलेंगे तो 6 ही आएगा। तो अब देखिए अब ये क्या आ गया, पूरा यहाँ से क्या आ रहा है, इज डिविजिबल बाई दैट इज ठीक है, इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल 3। तो हम लोग ये देख रहे थे कि जो k के लिए ट्रू था वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से ये सारे वैल्यू के लिए ट्रू है ना। तो हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस ठीक है, बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर, कोई भी इंटीजर लेंगे तो ये रिजल्ट हमारा ट्रू होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो देखिए इस तरह का बहुत सारा रिजल्ट आप कर सकते हैं, मैंने कुछ रिजल्ट आपको बताया है, ठीक है। कुछ रिजल्ट अगर इसी तरीके से आपको पूछ दे एग्जाम में तो उसे घबराने का कोई बात नहीं है, आप कोई भी रिजल्ट को इस तरीके से जो ऊपर मैं हम कुछ आपको बताए हैं, ठीक है, रिजल्ट उसका यूज़ करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का कंटेंट है उसके साथ मैं फिर से आपसे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखें, ठीक है, क्योंकि आपको डेली जो है कंटेंट इस पर मिल रहा है, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इससे फ़ायदा उठाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।